ओके क्लास टेन, आज हम लोग एकदम नया एक्सरसाइज 19 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये हम लोग कह भी सकते हैं ये आपका पार्ट भी है सिलेबस का और नहीं भी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी हो रही थी हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का सेंस बनाने के लिए, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस पे जो नॉर्मल डिग्री जैसे आपने पढ़ा हुआ है 9 में 10 में साइन थीटा का 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इन कई टाइम्स आपके क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं 35 डिग्री एंड 22 स्लैश दिखाई दे रहा है। हाँ, तो उस तरह क्वेश्चन के लिए आप कैसे इसको शॉर्ट आउट कीजिएगा, इसका वैल्यू कैसे निकालिएगा, कई स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि बताइए कि कैसे इसको बनाया जाता है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। लेकिन एग्जाम में अगर हाइट एंड डिस्टेंस का ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें अलग अलग तरह के डिग्रीज दिए रहते हैं तो उसके वैल्यू बगल में लिखे रहते हैं, लेकिन आप क्लास वर्क के लिए या फिर अपने प्रैक्टिस के लिए बनाना चाहते हैं कि सम्स कैसे हाइट एंड डिस्टेंस का बनेगा, उस दौरान कई सारे क्वेश्चन में आपको ऐसे अलग अलग से वैल्यूज आएंगे डिग्रीज आएंगे, तो उस दौरान कैलकुलेट करने के लिए हम लोग आज इस वीडियो को बना रहे हैं। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं लिखा हुआ है साइन 35 डिग्री 22 स्लैश, तो इसमें हम बुक इसीलिए हाथ पे लिए हुए क्योंकि आपको लास्ट के तरफ, क्योंकि इसके अलग अलग बहुत वैल्यूज़ होते हैं, लास्ट के तरफ पेज में आप जाइएगा आप देख सकते हैं 35 की पीछे में 6 पेजेस में आपको दिए होंगे साइन का 2 पेज, यानी साइन के लिए कॉस के लिए और टैन के लिए दो दो पेजेस दिए होंगे, तो उसमें आपको लिखा गया साइन 35 डिग्री और 22 स्लैश, तो आप साइन का कॉलम देख सकते हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे वीडियो साइन 35 ये नेचुरल साइन लिखा हुआ है, साइन का दोनों पेजेस दिए हुए हैं और 35 ये रहा आपका एग्जैक्ट 35 यहाँ पे आ जा रहा है, दैट मीन्स साइन 35। ओके, साइन 35 दिया उसका 22 स्लैश दिया हुआ है, आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं लिखा हुआ है 0, 6, 12, 18, 24, 30, लेकिन आपको यहाँ 22 निकालने बोला गया, तो इसका मतलब मेरे पास साइन का 35 का वैल्यू है, साथ ही साथ 18 स्लैश का है और 24 स्लैश का है, लेकिन 22 का बिल्कुल भी नहीं है। आप समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे साइन 35 का आपको 18 का वैल्यू दिया हुआ है और 24 का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे 22 का वैल्यू नहीं दिया हुआ, इसका मतलब या तो आपको 4 डिफरेंस ऐड करना होगा या तो 2 डिफरेंस लेस करना होगा। अगर आप साइन 35 18 स्लैश का वैल्यू लिखते हैं तो उसमें 4 का डिफरेंस आपको ऐड करना है, अगर साइन 35 24 स्लैश का वैल्यू लिखते हैं उसमें 2 डिफरेंस लेस करना है, तो आप देख सकते हैं मीन डिफरेंस बोल के भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 डिफरेंस का वैल्यू उस जगह पे 35 पे 2 का वैल्यू क्या होगा, 2 मीन डिफरेंस का वैल्यू और 4 मीन डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा। क्लियर, तो लोग इसको लिख के समझते हैं इजीली, तो मेरे पास जो बुक में वैल्यू पीछे दिया हुआ है ये दिया हुआ है साइन 35 डिग्री 18 स्लैश का वैल्यू दिया हुआ है, अगर 22 का निकालें तो इसे 4 स्लैश को क्या करना होगा, हमको ऐड करना होगा, और साथ ही साथ हमको दिया हुआ है साइन 35 डिग्री 24 स्लैश का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें से 2 स्लैश लेस करेंगे तो मेरा आंसर आएगा। क्लियर हम क्या बोल रहे हैं, तो हम लोग वैल्यू को चेक करते हैं, साइन 35 का 18 का वैल्यू देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 0 पॉइंट लगा हुआ है 0.5779, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 0.5779। क्लियर, हम लोग वैल्यू लिख दिए और 4 मीन डिफरेंस को ऐड करते हैं, तो 35 का 4 मीन डिफरेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, तो 10 यहाँ पे क्या होगा, 10 आपको यहाँ से लिखना है, याद रखिएगा पॉइंट के बाद का वैल्यू है, तो 10 आप लिखेंगे तो इस वैल्यू का हो जाएगा 0.5789। क्लियर, और यहाँ पे साइन 35 24 स्लैश का वैल्यू लिखते हैं, तो साइन 35 और 24 स्लैश का अगर आप वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं वैल्यू क्या लिखा हुआ है 0.5793। क्लियर, तो इसमें से 2 मीन डिफरेंस को क्या करना है, लेस करना है, तो यहाँ 2 मीन डिफरेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से 5 को लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.5788। क्लियर, आप देख सकते हैं दोनों का ऑलमोस्ट आंसर ये 0.5788, दैट मीन्स इतना दूर तक देखते हैं तो तीन डेसिमल प्लेस तक तो दोनों का नंबर सेम आ रहा है, समझ में इसमें क्या करना है। ओके, लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं समझिए, साइन का जो साइन और हम लोग का वैल्यू पीछे जो दिया हुआ है, साइन का दिया हुआ है, कॉस का दिया और टैन का दिया हुआ है, ठीक है, तो साइन का जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें आप ऐड या माइनस देख सकते हैं, अभी हमने ऐड करके भी आंसर लाया और माइनस करके भी आंसर लाया, सेम टैन में भी हम लोग ऐड करके या माइनस करके आंसर ला सकते हैं, लेकिन कॉस में आप बिल्कुल भी ऐड नहीं कर सकते हो, जो भी आंसर आपको लाना होगा वो आपको माइनस करके ही लाना होगा, दैट मीन्स आपको एक्स्ट्रा वैल्यू पकड़ना होगा, उसमें से फिर मीन डिफरेंस को लेस करके लाना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है नंबर इन डिफरेंस कॉलम टू बी सब्ट्रैक्टेड नॉट एडेड, यानी आप ऐड करके बिल्कुल भी आंसर कॉस का आप नहीं ला सकते, आपको जब भी लाना होगा आपको एक्स्ट्रा नंबर आगे की तरफ बढ़ना होगा, उसमें से मीन डिफरेंस को आप लेस करके आंसर ला सकते हो, मीन डिफरेंस को ऐड करके आंसर नहीं ला सकते। क्लियर, तो हम लोग कॉस के लिए भी सम्स को प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो कॉस के लिए बनाने के लिए आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, कॉस का 62 और
27 स्लैश, यानी 62 डिग्री 27 स्लैश तो हम देख सकते हैं 62 के लिए। आप देख सकते हैं ये रहा कॉस का पेज हम लोग ओपन किए और यहाँ पे 62 का वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, 62 का वैल्यू लिखा हुआ है लेकिन 27। तो हम लोग कॉस में क्या पढ़े हुए कि हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है। तो 62 का हम लोग 30 की तरफ जाते हैं, ये रहा 30 का वैल्यू आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 0.4617। ओके तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कॉस 62 डिग्री 30 स्लैश, इसका वैल्यू अगर हम लोग चेक करते हैं तो हम लोग को वैल्यू मिलता है 62 का 30 का 0.4617, लेकिन आपको 227 लाना है, दैट मीन्स 3 स्लैश को आपको लेस करना है। 3 स्लैश लेस कीजिएगा तो ही आपका आंसर आएगा 62 डिग्री 27 स्लैश का। तो यहाँ से 3 का मीन डिफरेंस आप देख सकते हैं, 62 में मीन का क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। ओके तो हम लोग यहाँ पर 8 लिखते हैं, तो इसको जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.4609। ओके तो ये कॉस का वैल्यू आ गया। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सब पार्ट 1, जहाँ पे हम लोग साइन का देख चुके हैं, हम लोग निकाल चुके हैं कॉस का। अब आ रही थी टैन की, अगेन सेम टैन में भी आपको लिखा हुआ 15 डिग्री 2 स्लैश, क्लियर। तो हम लोग बुक के पेज को टर्न करते हुए लास्ट पेज पे आते हैं, आप देख सकते हैं टैन का 15 पे हम लोग यहाँ पे आते हैं। ओके 15 का वैल्यू आप देख सकते हैं, लेकिन 15 का 0 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है 0.2679। ओके और इसमें 2 का मीन डिफरेंस, क्योंकि आपने जो वैल्यू लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे वैल्यू लिख रहा है टैन 15 0 स्लैश का, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.2679 लिखा हुआ है, क्लियर। तो इसमें 2 का मीन डिफरेंस को हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग टैन में और साइन में ऐड भी कर सकते हैं लेकिन कॉस में ऐड नहीं कर सकते। ओके तो ये हो गया टैन 15 डिग्री 2 स्लैश, 2 का मीन डिफरेंस इस पेज में दिया हुआ है आपका 6, तो हम लोग यहाँ पे 6 इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 0.2685, दैट मीन्स इसका वैल्यू इतना हो जाएगा। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 0.5789 और आपको बोला गया फाइंड द थीटा। तो आपको पता है कि इतना जो अतरंगी सा वैल्यू दिया हुआ है ज़रूर आपको बुक के पीछे मिलेगा, तो लोग साइन थीटा के पेज में जाएंगे और इस वैल्यू को चेक करेंगे कि 0.5789 कहाँ दिया हुआ है। ओके तो हम लोग जैसे साइन के पेज में जाते हैं, तो साइन पेज में हम लोग जाएंगे, तो हम लोग साइन के पेज में जाके इस वैल्यू को जब चेक करेंगे तो 0 sin 35 और 18 डिग्री स्लैश का आपको वैल्यू दिखाई देगा 0.5779। दैट मीन्स हम लोग किसका वैल्यू चेक किए, हम लोग बुक के पीछे जब चेक किए तो साइन 35 डिग्री और 18 स्लैश का वैल्यू अगर हम लोग चेक करें तो लिखा हुआ है 0.5779। दैट मीन्स यहाँ पे 89 दिया और 79, इसका मतलब ये डिफरेंस मीन डिफरेंस इसमें ऐड करना होगा आपको वैल्यू में, तो मीन डिफरेंस जिसका वैल्यू 10 होगा, जैसे इसमें 10 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.5789 आ जाएगा, क्लियर। तो हम लोग चेक कर लेते 10 मीन डिफरेंस किसका वैल्यू है, जो चेक किए तो हम लोग को पता चला कि वो 4 स्लैश का, यानी साइन के 4 स्लैश का मीन डिफरेंस में आप देख सकते हैं मीन डिफरेंस से 4 का वैल्यू 10 दिया हुआ है, क्लियर। तो हम लोग यहाँ 4 स्लैश का वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 लिखेंगे तो 0.5789 आ जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे दैट मीन्स साइन 35 डिग्री और ये 22 स्लैश का ये वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर थीटा आपको निकालने बोला तो साइन थीटा जो यहाँ 0.5789 लिखा हुआ तो किसका वैल्यू है साइन 35 डिग्री 22 स्लैश का, तो यानी थीटा इक्वल्स टू आपका आ गया, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 35 डिग्री 22 स्लैश, क्लियर।